हम लोग कोई बहुत बड़े कवि तो नहीं, लेकिन यदि साहित्य की थोड़ी बहुत समझ और उस क्षेत्र में कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो सब माता सरस्वती के आशीर्वाद से कर रहे हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मंच पर उनके चरणों में बैठकर आज हमें काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए चार पंक्तियां रखता हूँ और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करता हूँ कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए। जरा चौथी पंक्ति पे अपना समर्थन मुझ तक पहुंचाइएगा और उसके बाद इस कवि सम्मेलन के माहौल में थोड़ा आने लगिएगा कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की जागृत कहानी चाहिए, पूरी महफिल अपनी हो जाती है बस एक माँ की मेहरबानी चाहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अब आप सभी लोग जानते हैं कि बारिश का माहौल है और जिस तरीके से आपने पहले मुक्तक का समर्थन दिया है अब ये तय हो गया कि ये कार्यक्रम पाल जाएगा, सफलता की हर ऊंचाई कुछ हुएगा। तो अभी अब सुबह इतनी जोर से बारिश हो रही थी, बड़े बड़े कवि सम्मेलन हजारों की भीड़ वाले कैंसिल हो गए, मेरे पास आदरणीय करतार सिंह बघेल जी का फोन आया। मैंने कहा कि आप भी दो दिन बढ़ा दीजिए, बारिश नहीं होगी तब कर लेंगे। लेकिन उनका ये साहित्य के प्रति रुझान था, साहित्य के प्रति समर्पण था और आप सभी लोगों का साहित्य के प्रति प्यार था कि उन्होंने कहा कि आंधी तूफान को जाए, कार्यक्रम तो आज यहीं पर होगा। अच्छा, बारिश इतनी हो रही है, अभी दशहरा वाले दिन इतनी बारिश हुई, इस बार तो भाई साहब स्थितियां जो है, रावण जल के नहीं मरा है, पानी में डूब के मरा है। तो आप लोग ऐसे ही धीमे धीमे करके कवि सम्मेलन के माहौल में आ जाइए और हम इस कार्यक्रम के यकीन मानिए आप अच्छा सुनेंगे तो हम अच्छा सुनाएंगे, सीधा हिसाब है। मैं संक्षिप्त में पहले सभी कवियों का आप सभी से परिचय करा देता हूं। आदरणीय करतार सिंह बघेल भैया जी ने इतना अच्छा परिचय दिया, एक बार संक्षिप्त में परिचय सभी कवियों का मैं आपके बीच करा दूं। दोस्तों, हमारे मंच पर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस देश के श्रेष्ठ कवि, और जब आप कोई भी टीवी चैनल खोलेंगे तो उस पे जो चमचमाता हुआ चेहरा आपको देखने के लिए मिलता है वो आदरणीय शैलेश अवस्थी जी के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। अभी शैलेश रोड़ा जी के शो में मुंबई तक, आगरा से निकलकर हिंदी कविता को मुंबई और पूरे राष्ट्र में जिनकी कविताएं आज धूम मचा रही है, ऐसे आदरणीय शैलेश अवस्थी भैया हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अच्छा, वो बड़े कवि हैं तो उनकी सोच भी बड़ी है। अभी पिछले दिनों मैं और शैलेश भैया कवि सम्मेलन में थे तो हम दोनों लोग चाय पी रहे, तो शैलेश भैया जिस कप में चाय पी रहे तो उसमें मक्खी गिर गई। तो मैंने कहा कि भैया इसमें मक्खी पड़ी है हटा लो, शैलेश भैया ने बोला गिरी रहने दो कितना पी लेगी। तो आदरणीय शैलेश भैया की उपस्थिति है, उनके बाद हमारे बीच में वीर रस के समय देश के जो आगरा से निकलकर हिंदी कवि सम्मेलन मंचों में वीर रस में अपनी पहचान बना रहे हैं मेरे बड़े भाई, मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ी देर शांति का माहौल बनाएं। आदरणीय मोहित भैया उपस्थित हैं, वो कवि तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, साथ में वो शिक्षक हैं प्राइमरी विद्यालय में सरकारी। और भाई साहब, सरकारी विद्यालयों का, सरकारी स्कूलों का, सरकारी स्कूलों के टीचरों का तो क्या ही कहने, वो तो अद्भुत ही होते हैं। वो तो पिछले दिनों भाड़ई में विद्यालय में सरकारी स्कूल था प्राइमरी का, वहां पे एक अधिकारी चेकिंग के लिए आ गया निरीक्षण के लिए, तो वहां एक पांचवी क्लास में वो अधिकारी चला गया, तो वहां पे एक बालक बैठा हुआ था, उस बालक से अधिकारी ने पूछा कि ओलम सुनाओ, वो बोला नहीं आती, बोला कि 1 2 3 सुनाओ कि नहीं आती, बोला कि ABCD सुनाओ, वो बोला नहीं आती। अब अधिकारी को गुस्सा आया, अधिकारी ने बोला कि 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हो और कुछ भी नहीं आता है, मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। वह विद्यार्थी बोला, बच्चा बोला कि साहब आप मुझे स्कूल से निकाल ही नहीं सकते। अब अधिकारी बोला क्यों नहीं निकाल सकते, तो वो बोला भैया मैं यहाँ का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बगल वाले खेत में भैंस चराने के लिए आया था, मुझे तो मास्टर ने बिठा दिया, सही पंच में ताली बजाना आपको मजा आएगा। उन्होंने बोला कि मुझे तो यहाँ पे मास्टर ने बिठा दिया डेस्क पे आगे नकली, कि अभी अधिकारी जी निरीक्षण के लिए आएंगे, उनके सामने बच्चा स्कूल का विद्यार्थी बन जाना, अब मुझे बस आप इतना बता दो कि उन्होंने मुझे 10 रुपए देने का वादा किया था, वो आप दोगे कि वो अधिकारी देगा। अधिकारी का दिमाग खराब, अब अधिकारी पहुंच गया मास्टर के पास जाके बोला कि भैया ये क्या ड्रामा है, ईमानदारी से तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तुम्हारे यहां के बच्चे फर्जी हैं तो मैं सस्पेंड कर दूंगा। वो बोला कि साहब आप मुझे सस्पेंड कर ही नहीं सकते। कि क्यों नहीं कर सकते, सस्पेंड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं इस स्कूल का हूं ही नहीं, मास्टर तो मेरे बड़े भैया हैं, वो तो बाहर शादी में गए हैं दूसरे जिले में,
तो मुझे यहाँ नकली मास्टर बना के बिठा गए थे। अब तो अधिकारी का दिमाग और खराब, अब तो सीधे सीधे हेडमास्टर के पास अधिकारी पहुंचा, बोला कि क्या माजरा है, तुम्हारे यहाँ के बच्चे फर्जी, तुम्हारे यहाँ का मास्टर फर्जी, मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। हेडमास्टर बोले कि भाई साहब गर्मी कहीं और जाके दिखाना, मुझे नहीं निकाल सकते क्योंकि मैं भी स्कूल का नहीं हूं। मेरे तो रिश्तेदार का नाम जो है यहाँ पे हेडमास्टर है, मैं तो यहाँ पे मुझे उन्होंने बिठा दिया, बोला अधिकारी जी निरीक्षण के लिए आएंगे, उन्हें 10,000 रुपए दे के हाथ जोड़ के माफी मांग के विदा ले लेना। तो हेडमास्टर ने 10,000 रुपए जेब से निकाले और अधिकारी के हाथ में दिए। अब संभालना, अधिकारी के हाथ में 10,000 रुपए हेडमास्टर ने दिए। अब अधिकारी का जवाब सुनो कि भाई साहब बहुत फर्जी वर्ड आए, अध्यापक फर्जी, बच्चे फर्जी, हेडमास्टर फर्जी। इतना ध्यान रखना, अगर असली वाला अधिकारी होता तो 20,000 से कम मैं नहीं मानता। तो इस प्रकार की स्थितियां हैं। अच्छा अभी तक बढ़िया वाला नहीं आया है, बढ़िया वाला कब आने वाला है? हेडमास्टर ने जवाब दिया कि देखो भैया आप भी इतना ध्यान रखना, जहां का बच्चा फर्जी, जहां का मास्टर फर्जी, जहां का हेडमास्टर फर्जी, वहां के नोटों का असली होने की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जब इस प्रकार की स्थितियां हो, ऐसे आदरणीय मोहित सक्सेना जी बैठे हुए, बहुत ही श्रेष्ठ कवि आपको अभी सुनाएंगे, तो और एक आनंद बरसेगा इस यहाँ पे, भले थोड़े बहुत लोग कम हो लेकिन सीमित लोगों में असीमित आनंद आने वाला है। तो एक ऐसा कार्यक्रम है ये। उनके बाद हमारे बीच में एक कवि जो इस समय आगरा से निकलकर पूरे देश में हास्य रस का कायपाठ कर रहे हैं, वैसे तो वो गीत पढ़ते हैं, हास्य के तो अभी नए नए कवि बने हैं, आज उनका यहाँ पे दूसरा मंच है, तो उन्हें जमाने की आपके कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी है। वो आपके बीच हास्य पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे वो हास्य के कवि हैं, उनकी कविताओं को भी आप सुनिएगा। और इन सभी लोगों के बाद मेरा नाम ईशान देव है, कुछ रचित रह गई हूँ, तालियां तो आप मेरे लिए बजा सकते हैं। पंक्तियां सुन लीजिए, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी बहुत बड़े कवि हुए, उनकी पंक्तियां हैं और उनको आवाज देता हूं उनकी भूमिका में। उनकी आपको एक पंक्ति अच्छी लगे आप 2 तालियां बजाइएगा, थोड़ी अच्छी लगे, वैसे तो बहुत अच्छे कवि हैं, ज्यादा बजाइएगा क्योंकि वो पहले कवि हैं, पहला कवि जमते जमते अपने आप जम जाते हैं। मैं पंक्तियां रखता हूं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, संभाल लेना, कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तार सिंह बघेल जी, 4 दिन पहले कार्यक्रम फाइनल किया तो मुझे फोन किया कि ईशान भैया कार्यक्रम कर रहे हैं, ईशान भाई आप आ जाओ। तो मैंने कहा जी बिल्कुल। तो बोले कि आप क्या पेमेंट लेंगे? तो मैंने कहा आप बड़े भाई हैं, आपसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मंच पे और कौन कौन आ रहे हैं? तो वो बोले कि मंच पर आदरणीय नारायण भैया आ रहे हैं, मोहित भैया आ रहे हैं, आदरणीय अहिलेश अवस्थी जी आ रहे हैं। तो मैंने कहा मंच के सबसे बड़े कवि आदरणीय अहिलेश अवस्थी जी हैं, उनको जितनी आप पेमेंट दे रहे हो उससे 500 रुपए कम दे देना। अब नारायण भैया, अब अखरदार भैया का जवाब सुनिए, उन्होंने कहा कि ठीक है ईशान भाई आप आ जाओ, अहिलेश भैया को 500 ही दे रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, कवि सम्मेलन किसी तमाशे का नाम नहीं है, कवि सम्मेलन किसी लफाजी का, झूठी बातों का काम नहीं है, कवि सम्मेलन ना केवल व्यवसाय का कारण नहीं है, कवि सम्मेलन केवल प्रसिद्धि पाने का साधन नहीं है, बल्कि कवि सम्मेलन एक उत्सव है जिसको आज भाड़े के सिपाही में मनाया जा रहा है। कवि सम्मेलन की जब मुझे मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि निराला पंथ दिनकर की, असल वो याद है कविता, संस्कारों की खेती की, प्रबल वो खाद है कविता। बहुत बहुत आभार। के निराला पंथ दिनकर की, असल वो याद है कविता, संस्कारों की खेती की, प्रबल वो खर है कविता, नहीं काली नहीं काली नहीं है एक तमाशा है, दिलों से तो दिलों तक का असल संवाद है। तो अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, आपने धीरज को सुन लिया, अब आपको वो हंसाएंगे गुदगुदाएंगे, आपके बीच प्रेम मोहब्बत की बातें करेंगे, तो मैं उनको आपके बीच आमंत्रित करने जा रहा हूँ।
और श्रृंगार की प्रेम की तो खैर मैं आगरा में क्या भूमिका बनाऊं। आगरा तो वैसे भी प्रेम की नगरी है, जो यहाँ पे दुर्गा बननी थी वो 300-400 साल पहले शाहजहां बना के ताजमहल के रूप में वैसे ही प्रेम की भूमिका बना रहे हैं। और ताजमहल भाई साहब सफेद रंग का है, मैं तो इतनी छोटी उम्र में ताजमहल की सफेदी अपने सर पे लेके घूमता हूँ। आनंद में है तब मैं उनको बुला रहा हूँ। और ताजमहल की जब बात चल रही है और आगरा में है हम, तो मुझे आदरणीय शिव सागर जी की वो दो पंक्तियां याद आती हैं और वही उनके श्रृंगार रस को पढ़ने की भूमिका होगी कि आलिंगन को व्याकुल है, भाड़ई ने कविता को वीर रस को इतना स्नेह दिया है, मैं देखता हूँ कि श्रृंगार रस को भाड़ई कितना स्नेह देता है। कि आलिंगन को व्याकुल है चारों मीनारे ताज की, दो बहिया शाहजहां की है, दो बहिया है मुमताज। भी सुना सकता हूं, लेकिन मेरा मानना है जब इतने अच्छे श्रोता हम लोगों को इस गांव में मिल रहे हैं तो वहां शुद्ध कविता का पाठ किया जाए। ये मेरी अपनी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है। आदरणीय बड़े भाई अलेश अवस्थी जी बैठे हुए हैं, मैंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत इस क्षेत्र में रुचि है तो प्रयास कर रहा हूँ, और वो प्रयास भी आदरणीय भैया के आशीर्वाद से, आदरणीय मोहित भैया के आशीर्वाद से आदा और आप सब लोगों के आशीर्वाद से हो रहा है। मैं सीधे सीधे आपको कविताएं सुनाता हूँ। स्वागत है। और वैसे भी अभी तो पूरा इलाका है, अभी हमारे बुजुर्गों का सम्मान हुआ, मैं समझता हूँ महिलाओं की भी हमारे कार्यक्रम में उपस्थिति है, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। सबसे ज्यादा हमारे कार्यक्रमों में बुजुर्गों की उपस्थिति है जो सबसे ज्यादा मन से कविताओं को सुन रहे हैं, और आज करतार भैया ने उन सबकी का सम्मान किया, ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। तब मैं चार पंक्तियां मुझे मुनव्वर राणा जी की याद आती हैं और इस पे मैं खास कर सभी लोग तालियां बजाएं, लेकिन मेरा बुजुर्गों से उनके चरणों में नमन करते हुए उनसे निवेदन है कि चौथी पंक्ति पे जो अब तक स्नेह आपने नहीं दिया वो इन पंक्तियों को दीजिएगा। मुनव्वर राणा जी की पंक्तियां हैं कि नए कमरों में पुरानी चीजें कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, हम ही संभाले हैं गिरती हुई दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी को कौन रखता है। बहुत बहुत आभार।